धीरे धीरे रीवा ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। महाराष्ट्र से 8 मई को बस से आया व्यक्ति संक्रमित, इसका सीधा सा अर्थ है सफेद शेरों की धरती पर कोरोना वायरस का संक्रमित मरीज की संख्या डॉक्टर सिंघल के परिवार को मिलाकर हुई 4। डॉक्टर सिंघल का परिवार तो संजय गांधी में है, तो महाराष्ट्र से आया व्यक्ति को शहडोल मार्ग में बने क्वारंटाइन सेंटर डिगिया में ले जाया गया। विंध्य प्रदेश के लिए बुरी खबर आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे प्रवासियों का आना जिले में चालू हुआ, वैसे वैसे कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी। हम आपको बता दें, इस समय विंध्य में 14 कोरोना पेशेंट है, रीवा में 4, सतना में 3, अनूपपुर में 3, शहडोल में 3। सपना के एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है। इसी तरह रीवा में भी डॉक्टर सिंघल की बहन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यह शायद हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती है। हम आपको बता दें, लगातार जब से बाहर के प्रवासी मजदूरों का आना जिले में चालू हुआ है, तब से कोरोना पेशेंट मिलने लगे हैं। गांव में ये पहुंच जाते हैं, इनकी लगातार निगरानी करनी पड़ रही है। उसके बाद भी अगर ये इसी तरीके से इनका आना जाना चालू रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब रीवा निश्चित रूप से ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन से होता हुआ रेड जोन की ओर पहुंच जाएगा। जिस तरीके से इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना से बचने के जो भी तरीके बताए गए हैं, उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनको रीवा के बाजारों और तमाम ऐसी जगह पर जहां पर भीड़ के लिए आना मना है, वहां पर जाके देखने से ऐसा लगता है रीवा में कोरोना नाम की कोई भी बीमारी नहीं है। निश्चित रूप से यह लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं हो सकती। जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से यहां के लोगों को ख्याल करना चाहिए, अन्यथा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने की तैयारी उनको कर लेनी चाहिए। ये व्यक्ति 8 तारीख को सुबह रीवा पहुंचा था, सूरत की बस में पीथमपुर से बैठ के आया था, और उसको मार्तन स्कूल में बस खड़ी हुई थी। 7:30-8 बजे उतरे थे। इसके बाद सभी की वहाँ की मेडिकल जांच होती है, उसी जांच के दौरान इसको गले में दर्द और बुखार की शिकायत थी। उसके बाद डॉक्टरों ने इसको जिला अस्पताल के लिए रिफर किया आइसोलेट करके, और यहाँ पर आकर के उसके सैंपल हुआ, और सैंपल के बाद कल रात को उसकी रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव। अब आगे क्या तैयारी, कैसे रखेंगे मरीज को, किस तरीके की इंतजाम? अभी तो हमने आइसोलेशन में ही रख रखा है। अब इसको चूंकि यहाँ पे आइसोलेशन में रखने से थोड़ी सी हमको समस्या होगी, यहाँ सैंपल लेने में भी परेशानी होगी, तो इसको हम बिछिया में अभी डीजी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 12 बिस्तर का अस्पताल है, वहाँ पे उसमें वार्ड में रखेंगे, और इसके बाद उसके डेली मॉनिटरिंग होगी। वहाँ पे ड्यूटी पहले से ही लगाई जा चुकी है, और वहाँ पे डॉक्टर दिन में कम से कम 2 बार देखेंगे। जरूरत पड़ने पर जरूरी जरूरत होगी वो पूरी दवाई दी जाएगी, और उसको वहाँ पे 14 दिन पूरा रखा जाएगा। यदि कोई समस्या होती है तो फिर मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। रीवा क्या ये माना जाए कि ग्रीन से ऑरेंज, या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, ये मरीज रीवा के उस पर नहीं आया है, ये बाहर का आने वाला कोई भी हो सकता है, और ये तो डाटा है कि भाई ये ग्रीन से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ये अभी इस तरह का हम उसको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। सही है कि हमको इस पर ध्यान रखना है आने वाले समय में, चूंकि हमारे पास बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर खतरा बना रहता है कि कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे। बाकी ऑरेंज और ग्रीन, इससे हमको बहुत ज़्यादा अभी वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का, यहाँ कम्युनिटी से नहीं आया है, ये आके एक ही व्यक्ति आया है जो बाहर से आया है।